सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप रुकना कभी मत, मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको एक दिन, मन से हारना कभी मत। तो स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल हूँ मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। इस प्रकार के प्रश्न में चार विकल्प दिए होंगे और चारों के चारों विकल्पों में तीन में एक कोई एक जैसा रिलेशन होगा और एक विकल्प ऐसा होगा जो उस रिलेशन से बिल्कुल हटकर होगा, बिल्कुल बाहर होगा। हमने उस अलग रिलेशन वाले को यानी जो विषम है उसको सेलेक्ट करना है, उसी को चुनना है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्न दिए गए विकल्पों में से शब्द विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो ये ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से हमने प्रत्येक क्वेश्चन के एक ऐसे विषम शब्द युग्म को चुनना है जो इनसे बिल्कुल बाहर है। तो देखो पहला प्रश्न है राजगुरु फांसी, चंद्रशेखर आज़ाद गोली, सुखदेव गोली और वीर भगत सिंह फांसी। तो आपको पता है ये हमारे बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी, बलिदान दिया था, शहीद हुए थे। तो देखो क्या है, राजगुरु सुखदेव और वीर भगत सिंह तीनों को एक साथ ही फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ के दौरान अपने पास एक गोली बचने पर खुद को अपनी गोली मार ली थी या अपने आप को अपनी गोली से शूट कर लिया था। तो इसमें जो सुखदेव हैं इनको फांसी के द्वारा ये शहीद हुए थे। तो यही ऑप्शन हमारा इसमें विषम है, यानी यही ऑप्शन इनको सही कराना है। दूसरा क्वेश्चन है शुष्क तर, यानी शुष्क माने सूखा होता है, तर माने गीला यानी नम होता है, ये क्या इसका विलोम शब्द है। बुद्धिमान और प्रफुल्ल माने खुशी होता है और बुद्धिमान माने आप जानते ही हो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि में प्रखर है। सत्य झूठ यानी सत्य और झूठ विलोम शब्द हैं। प्रतिभा और जड़ता ये भी विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है हमें दिखता है इन सबसे अलग है क्योंकि इसमें विलोम शब्द का कोई जिक्र नहीं है। ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से विलोम युग में जुड़े हुए हैं। तीसरा है स्याही पेन, कूड़ा करकट, कूड़ादान, शीशा, पेंसिल, पेट्रोल और कार। तो स्याही पेन में डाली जाती है, कूड़ा करकट है कूड़ेदान में ही डाला जाता है, पेट्रोल को कार या किसी वाहन में डाला जाता है, लेकिन शीशा और पेंसिल का इसके अनुसार कोई भी रिलेशन नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन इसका विषम है और यही सही है। चौथा प्रश्न है पानी लीटर, चीनी किलोग्राम, कपड़ा लंबाई और सड़क किलोमीटर। तो पानी को हम लीटर में मापते हैं, चीनी को हम किलोग्राम में ही मापते हैं और सड़क को किलोमीटर में ही मापते हैं, लेकिन जो कपड़ा है उसकी जो इकाई है वो लंबाई नहीं है, या तो मीटर होगा या कोई फीट होगा या इंच होगा, अर्थात यही ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये सबसे अलग है, विषम है। इसमें देखो क्या है, वेद मंत्र, गुरु ग्रंथ साहिब, वाणी, कुरान, आयत। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो बाइबल है उसमें कविता दी है, जबकि बाइबल जो है वह कवित्व में या कविता में नहीं लिखा गया है, क्या है गद्य में लिखा गया है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनका सही रिलेशन है। वेदों में मंत्र दिए गए, गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है और कुरान में एक आयत है। अगला है मनुष्य शिशु, काला पीला, टेबल कुर्सी, बाजरा और जौ। तो देखो ये क्या है, मनुष्य और शिशु यानी ये सजीव है और सारे क्या हैं, निर्जीव हैं। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे तो हम देखें तो यहाँ पर ये जो बाजरा और जौ है ये भी सजीव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये क्या है, जीव है और ये वनस्पतियों में आता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है मक्खी छत्ता, पक्षी घोंसला, मछली बिल, सांप बिल। तो देखो मच्छी छत्ते में उसका निवास स्थान होता है, पक्षी का घोंसले में होता है, सांप का बिल में होता है, लेकिन मछली का बिल में नहीं होता, पानी में होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आठवां मित्र दुश्मन, यानी मित्र और दुश्मन विलोम शब्द हैं, दिन रात विलोम शब्द हैं, पूर्व पश्चिम भी विलोम शब्द हैं, गाजर मूली दोनों सब्जियाँ हैं, विलोम शब्द नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है नाइन्थ क्वेश्चन, बगीचा फूल, यानी जो बगीचा है उसमें फूल आते हैं, स्टेडियम जो होता है उसमें खेल खेले जाते हैं, उसमें एक हॉकी भी खेल है, तालाब में पानी होता है, बिल्कुल सही है, कॉलेज में विद्यार्थी होते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, देखो सिर्फ हॉकी दिया है जबकि इसमें बहुत सारे खेल खेले जा सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दसवां है गाय का जो बच्चा होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं, शेरनी का बच्चा पिल्ला नहीं होता, क्या होता है, शावक होता है, रानी
का जो पुत्र होता है युवराज होता है और भेड़ का पुत्र होता है वो मेमना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है जो इन सभी से अलग है, क्योंकि इसका जो बच्चा होता है वो पिल्ला नहीं शावक होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास तुलसीदास पेरिस लंदन कृष्णा कावेरी राखी मैथिली सर्व। तो आप देख रहे हो सूरदास और तुलसीदास दोनों कवि थे, पेरिस और लंदन दोनों शहर हैं, कृष्णा कावेरी दोनों नदियां हैं, राखी और मैथिली सर ये क्या है, मैथिली सर साहित्यकार थे और राखी क्या है एक अभिनेत्री हैं, अर्थात ये क्या है इन सब से अलग है। पुरस्कार दंड आपत्ति अनुमति तेज कुद और ठंडा शीतल। पुरस्कार दंड विपरीतार्थक हैं, आपत्ति अनुमति ये भी विपरीतार्थक हैं, तेज और कुद ये भी विपरीतार्थक हैं, और ठंडा और शीतल क्या है दोनों समानार्थक हैं, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है 13वां अपराध आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर हल्का भारी। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, नाटा लंबा विपरीतार्थक हैं, गरीब अमीर विपरीतार्थक हैं, हल्का भारी भी विपरीतार्थक हैं, जबकि अपराध और आरोप विपरीतार्थक नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन इसका विषम है और यही सही है। अगला है कागज पेंसिल सिर टोपी स्याही दबात भेंट लपेटन या आवरण। तो देखो सिर टोपी यानी जो सिर है टोपी से ढका जाता है यानी सिर पर टोपी पहनी जाती है, स्याही दबात यानी दबात है उसमें स्याही डाली जाती है, और भेंट लपेटन यानी भेंट क्या है कोई किसी को दिया गया उपहार है जो उसको लपेटन कह सकते हैं उसको ढक सकता है, लेकिन कागज पेंसिल को कभी नहीं ढक सकता, अर्थात 14वें का ए ऑप्शन ही सही है। अगला है 15वां फैशन शैली प्रिय स्नेही पुराना प्राचीन और स्वामी सेवक। तो देखो प्रिय स्नेही यानी जो प्रिय है उसको हम स्नेह करते हैं, पुराना क्या है प्राचीन होता है, पुराने का जो अर्थ है वह प्राचीन होता है, और स्वामी और सेवक में एक संबंध होता है, लेकिन जो फैशन और शैली है यह इन सबसे अलग है, यानी ये क्या है समानार्थक है और ये समानार्थक श्रेणी में नहीं आता, तो 15वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझिए हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।